हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे सूखे छोले। आप इसे टिफिन में, सफर में, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये खाने में ना बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोलों को ना रात भर भिगा कर रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब इसे हम बॉईल करेंगे कुकर में। इसमें डालें नमक एक चम्मच, थोड़ा सा हल्दी डालें, थोड़ा सा तेल डालेंगे, पानी डालेंगे एक से डेढ़ ग्लास जितना पानी हमको चाहिए। 20 से 25 मिनट कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक कढ़ाई लेंगे, सरसों का तेल डालें, जीरा डालें जैसे तेल गर्म हो जाए, थोड़े से खड़े मसाले डालें। खड़े मसाले से छोलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हींग डालें, थोड़ा इसे चटकने दें। खड़ा लाल मिर्चा डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। प्याज डालें 3 से 4 पतला बारीक कटा हुआ। बड़ी इलायची डाल दें थोड़ा सा कूट कर। प्याज को भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे हल्दी 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालें, 1 टेबलस्पून छोले मसाले डालें। ढककर इसे थोड़ी देर पका लें। जैसे प्याज थोड़ा सा पक जाएगा इसमें डालेंगे टमाटर 2 से 3 पतले बारीक कटे हुए। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इसे ढककर 5 मिनट तक अच्छे से पका लें, जब तक कि मसाले तेल न छोड़ने लगे। छोले भी अच्छे से पक चुके हैं। आप उंगली से दबाकर चेक कर सकते हैं। अगर पके ना हो तो दोबारा एक सीटी और लगा लें। जैसे ही मसालों से तेल सेपरेट होने लगे इसमें डाल देंगे छोले। सिर्फ छोले डालें, छोले का पानी ना डालें। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नमक कम लगे तो ऊपर से नमक डाल सकते हैं। अब छोलों को ढककर 5 से 10 मिनट तक पका लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी छोले बनेंगे। तो तैयार हैं सूखे छोले। टिफिन हो बच्चों का या कहीं सफर में जाना, इस तरह से आप छोले की रेसिपी को तैयार करें, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो के नीचे लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।